राजघाट स्थित राप्ती नदी तट पर दाह संस्कार में शामिल होने आया 18 वर्षीय युवक रविवार को राप्ती नदी में डूब गया। सूचना पर पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और उसकी तलाश में लग गई। सोमवार की देर शाम तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। आपको बता दें कि पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल और रही निवासी 18 वर्षीय गोलू रविवार की दोपहर को गांव के ही एक महिला के दाह संस्कार में शामिल होने राजघाट के राप्ती नदी तट पर आया था। इस दौरान वो नदी में नहाने चला गया और नदी में डूब गया। हादसे के बाद युवक के पिता राम ललित भी नदी के किनारे पहुंच गए। काफी देर तक SDRF की टीम उसकी तलाश की, लेकिन उसका अभी तक पता नहीं चल सका। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए SDRF टीम प्रभारी उप निरीक्षक मोहम्मद असलम ने कहा, कल ही हमारी टीम रेस्क्यू के लिए जो है तत्पर हो गई थी और रेस्क्यू लगातार कर रही थी, लेकिन शाम होने के कारण रेस्क्यू बंद कर दिया गया था। इसी दौरान जो है वैकुंठ धाम में जो है कार्तिक मेला ड्यूटी भी लगी थी, तो ड्यूटी के साथ साथ जो है हम रेस्क्यू भी कर रहे हैं। अभी तक डेड बॉडी प्राप्त नहीं हुई है और जैसे ही प्राप्त होती है हम जो है आपको सूचित करेंगे। कितने घंटे हो गए होंगे रेस्क्यू करते हुए? लगभग जो है इस समय 20 घंटे के ऊपर हो चुका है और आगे भी रेस्क्यू कार्य जारी है। मेला ड्यूटी की वजह से थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी टीमें दोनों कार्य मुस्तैदी के साथ कर रही हैं। कितनी उम्र रही होगी बालक की डूबने की? गोलू नाम का व्यक्ति है, लगभग उसके परिजनों से हमने पूछा तो 20 वर्ष की आयु बताई जा रही है।